नमस्कार दोस्तों, आपका अपने स्टडी चैनल उदय जयदीप में स्वागत है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आयु संबंधी प्रश्न यानी कि प्रॉब्लम ऑन एजेस। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, इनकी आयु में कितना अंतर है, यानी कि समीना तथा सुहाना की आयु में कितना अंतर है। तो देखिए समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात कितना दिया है, 7:3। हम मान लेंगे, माना समीना की आयु 7x और सुहाना की आयु 3x, तो निकालना क्या है इनकी आयु का अंतर, यानी कि 7x-3x यानी कि 4x इनकी आयु का अंतर आ जाएगा। हम x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगी। देखिए x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात कितना दिया है, 7:3। तो मैंने मान लिया समीना की आयु 7x और सुहाना की आयु 3x, तो 7:3 यानी कि 7x/3x। अब 6 वर्ष बाद, यानी कि 6 वर्ष इसमें ऐड कर दें, 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना होगा, 5:3। देखिए वर्तमान आयु में हम 6 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा अनुपात, 5:3। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 7×21x+6×2=18, 5 का इसमें करेंगे, 5×3=15x+5×6=30। तो देखिए यहाँ पे 15x इस साइड आएंगे, 21x में माइनस हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 21x में से 15x माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेंगे 6x, और 18 हम 30 में से माइनस करेंगे तो 12। तो देखिए 6 से यहाँ पे इंटू में है, डिवाइड में चला जाएगा, x=6×2=12, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब क्या आयु में अंतर, यानी कि समय तो सोना की आयु 7x 3x, अंतर कितना 4x, तो x की वैल्यू 2 आ गई, 2 यहाँ रख देंगे, 4×2 = 8, तो इनकी आयु में कितना 8 वर्ष का अंतर हो जाएगा, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी आयु के क्वेश्चन करें, सबसे पहले हम इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं, तो वर्तमान आयु में जितनी वर्ष अधिक बाद या अधिक दिया हो तो हम ऐड करते हैं, और पूर्व की पहले बात की हो तो इसमें माइनस कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4। देखिए हम वर्तमान से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 यानी कि 3x और 4x। अब 10 वर्ष पूर्व, यानी कि 10 माइनस किया इससे हमने, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था, तो 4:7 था, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या कह रहा है, 4:7 था, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी है, यानी कि वर्तमान से 5 वर्ष बाद। तो देखिए मीरा की पूछा है, तो मीरा की वर्तमान आयु, देखिए मीरा की वर्तमान आयु कितनी है, 3x, 3:4, तो मीरा की वर्तमान आयु 3x, 5 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान आयु हम 5 वर्ष ऐड कर देंगे तो मीरा की 5 वर्ष बाद आयु हो जाएगी। तो इसके लिए हम x की वैल्यू यहाँ ज्ञात करते हैं। देखिए x की वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, देखिए 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7×21 - 70, 4×16 - 40। अब देखिए 21x में से हम 16x को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा इस साइड आके, 5x, और 70 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 70 में से 40 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 30। देखिए x=5×30, x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब देखिए मीरा की 5 वर्ष बाद हमें आयु ज्ञात करना है, तो वर्तमान आयु 3x, 5 वर्ष बाद आयु, देखिए 3x+5, 5 वर्ष बाद आयु हो जाएगी मीरा की, तो x की वैल्यू
सिक्स है, सिक्स यहाँ रख देंगे, 6 दूनी 36 18 प्लस 5, तो 18 प्लस 5 23 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, 23 वर्ष होगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए जब भी आयु के क्वेश्चन आए तो हम सबसे पहले वर्तमान आयु से ज्ञात करते हैं, या फिर देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है, यानी कि वर्तमान आयु की बात कर रहा है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना, तो हम यहाँ पर पुत्र की आयु मान लेते हैं, पुत्र कौन है, राहुल, राहुल की आयु एक्स मान लेते हैं वर्तमान, तो क्या कह रहा है, रमेश यानी कि पिता, रमेश या पिता, पिता की आयु कितनी है, रमेश या पिता की, राहुल की आयु से 4 गुना 4x। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, देखिए 5 वर्ष पूर्व तो 5 माइनस, दोनों वर्ष 5 माइनस कर देंगे, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, यानी कि रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, रमेश की आयु जो है राहुल की यानी पुत्र की आयु से 9 गुना थी, तो हम पुत्र की आयु को 9 गुना कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, रमेश की वर्तमान आयु, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी होगी, 4x। देखिए हमने पुत्र की आयु मान ली वर्तमान x, पुत्र की कितनी मान ली, पुत्र राहुल की हमने मानी है वर्तमान आयु x, और क्या कह रहा है, पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है, किसकी, रमेश की, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, 4x। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें रख देंगे तो रमेश की आयु हो जाएगी। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, 9x माइनस 9 5 45, 4x माइनस 5। देखिए यहाँ से 4x इस साइड आएंगे तो 9x माइनस हो जाएंगे 5x, और 45 उस साइड आएंगे प्लस के 45 माइनस 5 तो 40। तो देखिए 5 से इसमें भाग चला जाएगा, 5 8 40, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो हम रमेश की आयु पूछा है, रमेश की वर्तमान आयु, तो रमेश की वर्तमान आयु 4x, तो एक्स की वैल्यू इसमें रख देंगे, 8 चौका 32, यानी कि 32 वर्ष किसकी आयु आ गई, रमेश की आयु हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी, 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि 8 वर्ष पूर्व क्या दिया, विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 8 वर्ष पूर्व आयु मान लेते हैं, यहाँ पे 8 वर्ष पूर्व आयु मान लेते हैं, 8 वर्ष पूर्व क्या आयु किसकी, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना, यानी कि पुत्र छोटा है तो पुत्र की मान लेते हैं 8 वर्ष पूर्व, पुत्र कितना है हम मान लेते हैं 8 वर्ष पूर्व पुत्र है x। अब देखिए 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी, किसकी, विशाल की आयु, विशाल कौन है, पिता है, तो विशाल की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना थी, कब, 8 वर्ष पूर्व मानी हमने। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्तमान में लाते हैं, 8 वर्ष पूर्व माना हमने, वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, 8 ऐड करना पड़ेगा, क्यों, 8 वर्ष पूर्व की आयु x मानी हमने और विशाल की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी 8 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान आयु देखिए हम, वर्तमान आयु के लिए क्या करेंगे, दोनों की इस साइड पुत्र और साइड पिता यानी कि विशाल, देखिए पुत्र कौन है, शेखर, शेखर की 8 वर्ष पूर्व x और पिता की 4x, तो वर्तमान के लिए 8 8 दोनों में ऐड कर दें हम, देखिए 8 दोनों में ऐड कर दिए हमने, तो ये क्या आ गया हमारी वर्तमान आयु। अब देखिए वर्तमान 8 वर्ष बाद वर्तमान आ गया, अब वर्तमान से 8 वर्ष बाद,
8 वर्ष बाद विशाल की आयु, यानी कि वर्तमान से 8 वर्ष बाद। क्या कह रहा है? विशाल, जो पिता कौन है? विशाल, और पुत्र शेखर है। देखिए 8 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान पूर्व एक्स है, तो वर्तमान लाने की 8 ऐड करा दोनों में। अब वर्तमान से क्या कह रहा है? 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद विशाल की आयु, यानी कि पिता की आयु शेखर की आयु से दोगुनी होगी। शेखर की जो आयु है इससे दोगुनी किसकी? पिता की। तो पुत्र की आयु को दोगुनी कर देंगे, इससे क्या होगा? दोनों इक्वल हो जाएंगी, यानी कि पिता की आयु दोगुनी है, विशाल की आयु शेखर की आयु से दोगुनी होगी। तो विशाल की आयु दोगुनी होगी तो हम पुत्र की दोगुनी कर देंगे, इससे दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखिए 2 से अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब देखिए 4x प्लस 8 दूनी 16। अब देखिए 2x उस साइड आएंगे तो 2x, और 16 इधर आएंगे, 32 में से 16 माइनस होंगे 16 और 2x, x इक्वल कितना आ जाएगा? 8। x इक्वल 8, x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई x की वैल्यू। अब देखिए क्या पूछा, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए विशाल की 8 वर्ष पूर्व 4x और पुत्र की x, तो वर्तमान आयु देखिए, वर्तमान आयु दोनों क्या होगी? पुत्र की वर्तमान आयु होगी 8 वर्ष पूर्व x है, तो वर्तमान में 8 जोड़ना पड़ेगी। इसी प्रकार विशाल की 8 वर्ष पूर्व 4x है, तो वर्तमान के लिए 8 ऐड करना पड़ेगी। तो दोनों की देखिए वर्तमान आयु आ गई। अब इसमें x की वैल्यू 8 दोनों रख देंगे, तो x 8 रखेंगे तो 8 दूनी 16, तो पुत्र कितना हो जाएगा? 16। और जहाँ रखेंगे 8 8 चुके 32, 32 और 8 40, यानी कि पुत्र होगा 16 वर्ष और पिता यानी कि विशाल होगा 40 वर्ष का, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 6 वर्ष पहले ए की आयु क्या थी? बी की आयु से तिगुनी, यानी कि बी की आयु कम थी। तो हम मान लेते हैं 6 वर्ष पूर्व मान लेते हैं, 6 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी मान लेते हैं हम? एक्स। देखिए बी की आयु से तिगुनी थी, किसकी? ए की आयु 6 वर्ष पूर्व, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी? तिगुनी बी से, 3x वर्ष, वर्ष ठीक है, दोनों वर्ष में 6 वर्ष पूर्व की बात हो गई है। अब इसको क्या करेंगे हम वर्तमान में लाने के लिए? 6 दोनों में ऐड करना पड़ेगी। देखिए ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी वर्तमान के लिए? वर्तमान आयु ए की कितनी हो जाएगी? 3x प्लस 6, और बी की कितनी हो जाएगी? x प्लस 6, दोनों की वर्तमान आयु हो गई। अब क्या कह रहा है? ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है, यानी कि वर्तमान आयु का अंतर 16 वर्ष है, यानी कि ए की आयु में से बी की आयु को माइनस कर दें तो 16 आएगा। तो देखिए इसको हम करते हैं यहाँ पे प्रश्न अनुसार, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या क्वेश्चन के कह रहा है? ए और बी की आयु का अंतर, यानी कि ए की आयु 3x प्लस 6 माइनस बी की आयु x प्लस 6, इनका अंतर कितना है? 16 वर्ष। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3x प्लस 6 माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल 16। तो देखिए यहाँ पे 3x माइनस x 2x 6 प्लस माइनस कैंसिल इक्वल 16। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास? 2 8 16, x की वैल्यू 8 आ गई। प्रत्येक की आयु ज्ञात करना, देखिए ए तथा बी की आयु ज्ञात करना, कौन सी? वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु ए की कितनी है? 3x प्लस 6 और बी की x प्लस 6। देखिए 8 को यहाँ रखेंगे, 8 2 16 38 24 प्लस 6 कितने हो जाएगी? 30। तो ए की आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। देखिए 8 यहाँ रखेंगे, 8 3 24 और प्लस 6 30,
और आठ यहाँ रखेंगे तो 8 + 6 = 14, तो बी की आयु 14 वर्ष होगी। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 अधिक है, तो देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं, यानी कि वर्तमान आयु दी है। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, तो हम पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, पुत्र की वर्तमान आयु हम एक्स वर्ष मान लेते हैं। एक्स वर्ष क्या हमने वर्तमान आयु मानी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु के तिगुने, किसकी, व्यक्ति, व्यक्ति की आयु क्या है, पुत्र की आयु के तिगुने से 3 अधिक है। वर्तमान आयु आ गई पुत्र की और व्यक्ति यानी कि पिता की। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु, देखिए पुत्र की हम इस साइड ऐसे लिख लेते हैं, इसको पुत्र की यहाँ लिख लेते हैं, देखिए इस साइड लिख देता हूँ पुत्र और व्यक्ति या पिता। देखिए पुत्र की एक्स वर्तमान और इसकी 3x + 3, 3 वर्ष बाद। अब क्या कह रहा है, वर्तमान से यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु, यानी कि 3 दोनों में ऐड करना पड़ेगी, 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 अधिक है, किसकी, व्यक्ति की, पुत्र के दुगने से 10 अधिक है, तो हम पुत्र को दुगना कर देंगे और 10 अधिक कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी, पिता के इक्वल हो जाएगी पुत्र की। पिता है दुगने से, पिता कितना है, पुत्र की आयु के दुगने से 10 अधिक है, तो हम पुत्र की आयु को दुगना करके 10 ऐड कर देंगे तो पिता की आयु के इक्वल आ जाएगा। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो क्या पूछा आगे इसमें, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु एक्स मानी है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हो जाएगी, हमारी पुत्र की वैल्यू हो जाएगी। देखिए 2x 2 3 6 + 10, 3x + 6, देखिए 2x है उस साइड जाएगा एक्स हो जाएगा, 3x में से माइनस होगा, और इतना यहाँ पे कितना है, 10 + 6 = 16, 16 में से 6 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 कॉल एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10। पुत्र की आयु कितनी, एक्स वर्ष मानी है हमने, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष वर्तमान आयु, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, रीना तथा उसकी माता की आयु का योग दिया 49 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। देखिए हम 7 वर्ष पूर्व मान लेते हैं आयु, 7 वर्ष पूर्व किसकी, रीना की आयु, रीना की आयु मान लेते हैं, रीना की आयु कितनी मान लेते हैं हम, एक्स वर्ष, तो देखिए 7 वर्ष पूर्व माता की आयु कितनी है, माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी है, यानी कि 4x वर्ष। तो देखिए 7 वर्ष पूर्व मानी है एक्स वर्ष और माता की 4x वर्ष, तो इस वर्तमान आयु देखिए रीना और माता, हम इनकी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगी, 7 ऐड करना पड़ेगी दोनों में। देखिए 7 इसमें भी ऐड करा और माता की आयु में भी 7 ऐड करा, क्यों, 7 वर्ष पूर्व आयु है एक्स और 4x, तो हम वर्तमान में लाने के लिए 7 दोनों में ऐड करना पड़ेगी। देखिए x + 7 और 4x + 7,
ये क्या आ गई, वर्तमान आयु। वो कह रहा रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 है, यानी कि इन दोनों का योग कितना है 49। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स और 4x कितना हो जाएगा, 5x प्लस 7 × 2 = 14 इक्वल 49। ये कितनी है, वर्तमान आयु है। देखिए वर्तमान आयु का योग दिया 49 वर्ष, तो रीना की x प्लस 7, माता की 4x प्लस 7, तो उन वर्तमान आयु को ऐड करेंगे तो 49 आएगा। तो इसको हमने सॉल्व कर लिए, 5x प्लस 14 इक्वल 49। तो देखिए 5x 14 उस साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे 49 से, तो कितने बचेंगे यहाँ पे 35। देखिए x इक्वल 5 × 7 = 35, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब क्या पूछ रहा है, रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए रीना की माता की 7 वर्ष पूर्व आयु 4x, तो वर्तमान आयु कितनी होगी, 7 ऐड हो जाएंगे। माता की वर्तमान आयु कितनी होगी, माता की वर्तमान आयु कितनी होगी 4x प्लस 7। तो देखिए इसमें हम x की वैल्यू रखते हैं 7, 7 × 28 प्लस 7, तो 28 प्लस 7 कितने हो जाएंगे 35। 35 वर्ष, तो माता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 35 वर्ष, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, सी की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग दिया है 90 वर्ष, और 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 है। तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, सी की वर्तमान आयु, तो मान लेते हैं 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व ए बी सी की आयु मान लेते हैं। देखिए 6 वर्ष पूर्व ए की आयु मान लेते हैं हम कितनी है, एक्स वर्ष, बी की आयु 2x वर्ष, क्यों 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात दिया 1:2:3, तो 2x वर्ष, और सी की आयु 3x वर्ष। अब देखिए ये तीनों क्या आ गई, 6 वर्ष पूर्व मान ली हमने, अब वर्तमान में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगी, देखिए वर्तमान के लिए हमें तीनों में 6 वर्ष ऐड करना पड़ेगी वर्तमान आयु के लिए। देखिए ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, एक्स 6 वर्ष पूर्व है, तो 6 ऐड करेंगे वर्तमान आ जाएगी। इसी प्रकार बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 6। इसी प्रकार सी की 3x प्लस 6। अब ए बी सी तीनों क्या आ गई, वर्तमान आयु आ गई। अब क्या दिया, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वर्तमान आयु का योग कितना दिया है 90। तो देखिए हम यहाँ पे ए बी सी की आयु लिख देंगे, ए की आयु वर्तमान कितनी, x प्लस 6 प्लस बी की 2x प्लस 6 प्लस सी की 3x प्लस 6, इनका योग कितना है 90। देखिए x 2x और 3x, तो कितने होगा 2 और 1 3 3 3, 6x प्लस 6 कितना, 3 × 6 = 18 इक्वल 90। अब देखिए 6x इक्वल 90 में से 18 माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 90 में से 18 माइनस करते हैं तो 2 और 8 में 7 गए 7, 72। देखिए x इक्वल कितना जाएगा, 6 × 6 = 6 चला जाएगा, 6 × 2 = 12, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई 12। अब क्या पूछा, c की वर्तमान आयु, तो c की वर्तमान आयु देखिए कितनी है 3x प्लस 6, तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो देखिए 3 × 12 + 6 = 24 + 36 + 6, तो 40 × 2 = 42 वर्ष, तो सी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 42 वर्ष, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से हम आईयू के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बात याद रखना है, इसमें आईयू के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें सबसे पहले वर्तमान आईयू में क्वेश्चन को लाना है। तो वर्तमान आयु से यदि बाद का दिया है इतने वर्ष बाद तो ऐड करेंगे, और पूर्व दिया है तो माइनस करेंगे। या फिर हम देखिए 6 वर्ष पूर्व माना है, पूर्व की आयु मानते हैं तो उसके लिए वर्तमान में लाने के लिए ऐड करना पड़ती है। तो इस तरीके से हम वर्तमान से क्या इजीली इस आयु क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।